आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत शर्मा ने सिरसा में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार पैक्सों का काम सहकारी बैंकों को देकर किसान और किसानी दोनों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस कोशिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से जहां पैक्स खत्म हो जाएंगे तो वहीं पहले से ही संकट झेल रहे किसानों के सामने आर्थिक संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद निजी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका मिल जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ 15 मार्च से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो 20 मार्च से पंचकुला में धरना देंगे और अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो पैक्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। आपको सुनाते हैं कि पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या क्या कहा। सरकार की किस प्रकार की पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है जिसमें सहकारी समितियों के अस्तित्व को खतरा है। हरियाणा सरकार व सहकारी विभाग इन संस्थाओं का जो ऋण वितरण का कार्य है वह कार्य उठाकर सहकारी बैंकों को देने जा रही है। सहकारी बैंकों को ये ऋण देने के बाद पैक्स है या सहकारी समितियां हैं वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ऋण का कार्य उसी पे सहकारी समितियां चल रही है। सहकारी समितियों का काम है ऋण बांटना, सस्ते ऋण बांटना, खाद व बीज, कीड़े मार दवाइयाँ, इस प्रकार की किसानों को ये सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। अब बड़े लंबे टाइम से 1976 से इनका गठन हुआ था, उसके बाद उस 1976 से लेकर आज तक किसानों को बड़ी अच्छी सेवा दे रही है। जो कृषि उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है, जो किसानों ने मेहनत करी है, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है वो सहकारी समितियों का रहा है। सस्ती खाद देना, सस्ते लोन देना, अब सरकार है, अगर ये हमारी पैक्स कर्मचारी महासंघ की यही मांग है भाई, जो ऋण वितरण का कार्य है वो बैंकों में ऑनलाइन की बजाय पैक्सों को ऑनलाइन किया जाए, जिससे किसानों को हम अच्छी सेवाएँ दे सकें। इसका कारण है, अगर पैक्स बंद होगी, क्योंकि लोन वितरण का कार्य है वो बैंकों के पास चला गया, खाद का कार्य रहा, तो पैक्स 3 या 4 महीने के बाद ये पैक्स बंद हो जाएंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस चुनौती का असर सरकार पर कितना देखने के लिए मिलता है। क्या कर्मचारियों के दबाव में आकर सरकार अपने फैसले को बदलेगी? सत्य खबर के लिए सिरसा से रवि शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।